दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे देवरा के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 7.65 करोड़ का कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 29.05 करोड़ का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 47.50 करोड़ और अपने दूसरे वीकेंड में 9.56 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने 11वें दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 1.34 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल हिंदी कलेक्शन 58.40 करोड़ हो चुका है। तो ऑल इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 86.70 करोड़ का कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 171.80 करोड़ का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 229.82 करोड़ कर अपने दूसरे वीकेंड में 29.65 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने 11वें दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 4.90 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे फिल्म के 11 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 264.37 करोड़ हो चुका है। टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 315 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 77 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो उसके 11 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 392 करोड़ हो चुका है। बात करें दोस्तों उसके 12वें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 12वें दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 1.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है, ऑल इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दो की फिल्म का थिएटरिकल बजट लगभग 185 करोड़ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हो चुकी है। वही बात करें दोस्तों इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.5 रेटिंग मिले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म हिंदी वर्जन में 100 करोड़ का नेट कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, कमेंट के बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा देता है कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।